डू यू नो व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ योर कंपनी, मतलब आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है। जैसे हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, अब प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है ना, वैसे ही आप बिजनेस रन कर रहे हैं, अब बिजनेस की एज ए होल, बिजनेस एक सिस्टम है, अब बिजनेस की वैल्यूएशन कितने की है। जैसे पीछे एक डील हुई जिसके अंदर आकाश इंस्टीट्यूट को बाय किया बायजूस ने, कितने में, 7500 करोड़ के अंदर। अब आकाश इंस्टीट्यूट की ये 7500 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे निकली होगी कि भाई उसके जगह इतनी थी क्या? नहीं, उसके तो ट्यूशन सेंटर जो है वो रेंट के ऊपर है। अच्छा, इम्प्लॉइज को तो हर महीने सैलरी देनी होती है, तो वहां पे चौक स्लेट और जो पेपर स्टेशनरी आइटम है, जो कैसे क्या निकालते हैं, कैसे निकलती है बिजनेस की वैल्यूएशन, क्या है ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव, इसका आंसर है बिजनेस वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपको कि आपको ना हमेशा अपने बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यूएशन का पता होना चाहिए। पता तो लगे कि आज जो मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, चाहे रिसेंटली स्टार्ट किया है, चाहे कई सालों से मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, आज अगर कोई इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहे तो इसकी वैल्यूएशन क्या निकल कर आएगी, या मैं किसी के बिजनेस को एक्वायर करना चाहूँ और उसके बदले में अपनी कंपनी के शेयर देना चाहूँ उसको, तो मेरी वैल्यूएशन क्या है। चलो छोड़ो ना, मुझे किसी का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना मैंने किसी का खरीदना, लेकिन मान लो मुझे ESOP इशू करने हैं, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन के हिसाब से शेयर इशू करने हैं, तो भाई मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन है क्या कि मैं कितना परसेंटेज अपने एम्प्लॉई को ओनरशिप दे सकता हूं। ESOP निकालने के लिए वैल्यूएशन चाहिए। ओके, अरे जब मैं अपने कंपनी की बात करता हूँ, PPT बनाता हूँ, प्रोफाइल बनाता हूँ, कंपनी की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करता हूँ, वेरियस मीटिंग के अंदर जाता हूँ, तो बात करते हैं ना कि मैं कितनी वैल्यूएशन की कंपनी को रन कर रहा हूँ। कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, बस एक ही बात के बारे में सोच रहे हैं, सेल कितनी हो गई। अरे सेल से सब कुछ डिसाइड थोड़ी होता है। कंपनी में सेल हो सकती है लेकिन लॉस हो, कंपनी में सेल हो सकती है लेकिन कैश ना अवेलेबल हो। सेल डिटरमिन नहीं करती है किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को, डिटरमिन करती है उसकी ओवरऑल वैल्यूएशन, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो कैसे निकलती है बिजनेस की वैल्यूएशन? 7 या उससे ज़्यादा मेथड्स हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा एक एक मेथड के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे प्रॉफिट मल्टीप्लायर मेथड है, सेल्स मल्टीप्लायर मेथड है, कैपिटलाइजेशन का मेथड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मेथड है। इसके अलावा आप देखते हो कि लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द मेरी कस्टमर क्या है, आपके ब्रांड की गुडविल की वैल्यूएशन क्या आ गई है। अच्छा, आपके पास ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, आपकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है क्या, आप कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज के अंदर कितना इन्वॉल्व रहते हो, किस तरीके से आपने एक USP क्रिएट कर रखी है अपनी कंपनी की, और किस तरह से आप यूनिक तरीके से क्लाइंट की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, और आज की जनरल इकोनॉमिक सिनेरियो और इंडस्ट्री इकोनॉमिक सिनेरियो क्या क्या रहा है, जो बाकी लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है जिनके रिसेंटली पास्ट में सौदे हुए हैं, जैसे मान्यवर है। अब मान्यवर ने जब अपने आप को लिस्ट करवाया तो किस वैल्यूएशन पे कराया और किस बेसिस के ऊपर करवाया, और आप भी गारमेंट के बिजनेस के अंदर हो तो इंडस्ट्री के बेंचमार्क क्या है, इन सभी का मिला जुला 50+ पेज की एक रिपोर्ट बनती है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो बिजनेस की वैल्यूएशन कराने से ना हमें पता लगता है कि आज की डेट में मैं स्टैंड कहां पर कर रहा हूं, ताकि प्रेजेंट स्टेट से मैं पहुंचूंगा डिजायर्ड स्टेट पे। डिजायर्ड स्टेट पे जाने के लिए प्रेजेंट स्टेट का तो पता होना चाहिए ना। तो मेरी हाईली वंस अगेन रिकमेंडेशन आपको है, प्लीज गेट प्रिपेयर अ बिजनेस वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर योर बिजनेस। और जानकारी के लिए मैं एक लिंक दे रहा हूँ नीचे, जस्ट क्लिक ऑन दैट, माई टेक्निकल टीम विल कॉन्टैक्ट यू एंड प्रोवाइड दी फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।